अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फैसले के बाद जमान पार्क में पीटीआई कारकुनान जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन के फैसले के और तारीख के हवाले से फैसले के बाद जमान पार्क में पीटीआई कारकुनान जश्न मना रहे हैं। यकीनी तौर से इस वक्त आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थोड़ी थोड़ी देर में आके जो है मीडिया से खिताब कर रहे हैं और आज के इस दिन को, आज के इस फैसले को जमहूरियत के हवाले से, मुल्क में आइन की बका के हवाले से इंतहाई अहम मान रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मलिक, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आ गया है, इसके बाद जमान पाक के बाहर क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया है तो उसके बाद से कारकुनान जो है वो काफी खुश दिखाई देते हैं। उन्होंने इस फैसले को खैर मकदम करा दिया है और बड़ा खुशी से जो है वो इस फैसले को देख रहे हैं। उनका कहना है की आज एक तारीखी फैसला आया है और इस तारीखी फैसले के बाद आज जमान पाक के बाहर अफ्तारी के बाद जो है वो एक ग्रैंड जश्न भी होगा, जिसमें तमाम जो कारकुनान और जो लीडर होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और इसके साथ साथ जितने बड़े जो शहरों से जो कारकुनान है उनको भी यहाँ आने की दावत दे दी गई है और वो भी आज शाम को मुमकिन है कि यहाँ जमान पाक पहुंचेंगे और स्टेशन का हिस्सा बनेंगे। और लेकिन अभी भी जो है वो कारकुनान की कुछ तादाद जो है वो यहाँ जमान पाक के बाहर मौजूद है, जो इमरान खान के हक में और सुप्रीम कोर्ट के हक में जो है नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये तारीखी फैसला जो है वो मुल्क और कौम की बका के लिए इंतहाई नागजीर था और ये फैसला जो है वो हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर साबित होगा। और इसके साथ साथ जो कारकुनान है वो इस वक्त जमान पाक के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मलिक, इस वक्त आप हमें अपडेट कर रहे थे जमान पाक से।